फ्रेंड्स, ये है 28 तारीख का दिन। तो 28 तारीख को ही शुभ को चोट लगी थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। 27 को चोट लगी थी रात में और 28 को ऑपरेशन हुआ था। तो आज एक महीना हो गया है और शुभ को डॉक्टर ने बुलाया था। ड्रेसिंग तो हर चौथे पाँचवा दिन हो रही थी, पर एक महीने बाद डॉक्टर ने शुभ को बुलाया था। तो आज डॉक्टर चेकअप करके जो उसके अंदर वायर पड़ी हुई है वो निकालेंगे। तो शुभ बहुत ही परेशान था फ्रेंड्स। तो किसी तरह मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए थे ताकि आप लोगों को भी दिखा पाऊँ कि शुभ किस तरह से परेशान है। तो ये डॉक्टर के केबिन में गए थे हम लोग। तो यहाँ पे शुभ को एक्सरे के लिए लाया गया था कि सब कुछ ठीक है अंदर। तो यहाँ पे भी बहुत डरा हुआ था। ये देखिए, दो वायर दिख रही होंगी आप लोगों को। ये जो निशान है वो तो जो ऑपरेशन के बाद टाँके लगे थे उसके निशान है, बट ये दो वायर अलग से दिख रही हैं। तो यही वायर निकाली जाएगी अभी। तो यहाँ पे एक्सरे के बाद एक्सरे के दिखाने डॉक्टर के पास गए थे। तो हम यहाँ पे बैठे वेट कर रहे थे। उसको बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, भगवान ना करे ऐसा किसी बच्चे के साथ या किसी बड़े या किसी के भी साथ ऐसा हो। तो ये देखिए, दो वायर दिख रहे हैं, यही खींच के निकाले जाएंगे। और सच में जब निकाला गया है तो मेरे पैर कांप रहे थे, बट मैंने किसी तरह फ़ोन पकड़ा हुआ था, कैमरा ऑन था तो रिकॉर्ड हो गया सब कुछ। पता नहीं मुझे ये सब शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने जो है शेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स, बस अब ठीक है, पहले से बेटर है शुभ। होप सो जल्दी ठीक हो जाएगा और जल्दी पहले की तरह रिकवर हो जाएगा उसका हाथ, क्योंकि स्कूल वगैरह अभी नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कमज़ोर दिल वाला हो तो आगे का वीडियो प्लीज़ ना देखे, क्योंकि वो वीडियो मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। हालांकि मैं वहीं पे थी लेकिन मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो अगर नहीं देख पा रहे हो तो आगे का वीडियो स्किप करिएगा। क्या कह रहे हो? जल्दी नाम भूल गया तुम्हारा। सब अक्सर अच्छा, दोनों नाम है ना उनकी मैम का नाम भूल गई। खराब कर दी आपने। नहीं, अब टी शर्ट दिलानी पड़ेगी इनको। बार पट्टी बांध लेंगे, अब देखो फट से पट्टी बांधेंगे। अब तुमको वो तुमको पता था ना, वो उसके लिए आना है हम लोग को। किसके लिए आना है? ठीक हो? ठीक हो? अब तो नहीं दर्द हो रहा? नहीं पक्का? तब शुभ ठीक है फ्रेंड्स। अब दो दिन बाद शुभ का हाथ सीधा हो जाएगा। दिखाओ इधर, दिखाओ कैसे बैंडेज करी है डॉक्टर ने। ये इधर, तो ये देखिए पट्टी बांध दी है डॉक्टर साहब ने। और दो दिन बाद शुभ को फिर फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाना है ना, है ना? फिर थेरेपी के लिए लेके जाना है, तो शुभ का हाथ एकदम से ठीक हो जाएगा। स्माइल करके दिखाओ, नहीं तो सब देख के डर गए, तुम रो रहे थे। स्माइल करो अच्छे से। तो शुभ जो है दवा पीने जा रहा है, ये डॉक्टर साहब ने दवा दी है, तो ये दवा पिएगा और उसके बाद पिएगा मैंगो ड्रिंक। ठीक है? क्या मैंगो जैसा लग रहा है ये वाली दवाई? ठीक है, पी के मैंगो ड्रिंक पी लो। ठीक है? अब आराम करो आप। ओके, पहले ये चाहिए। क्या फ़ोन चाहिए? फ़ोन, अच्छा देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, शुभ अभी ठीक है और शुभ को दो दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया है। तो उसकी कंडीशन देखने के बाद उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जाएगा जब भी डॉक्टर बुलाएंगे, तो थेरेपी के लिए जाएगा और शुभ पहले से बेटर हो जाएगा। तो सॉरी मैंने ये वीडियो शेयर किया, आप लोग नहीं देख पाए जो लोग, और
जो भी हो फिलहाल मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो तो फिलहाल मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और शुभ उधर बैठा टीवी देख रहा है, और फिजियोथेरेपी के लिए जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बाय बाय।